मुरादाबाद से है। पोषण पाठशाला केंद्र पर बाल विकास परियोजना के तहत कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के लालबाग एवं नवाबपुरा क्षेत्र में पोषण पाठशाला केंद्र पर बाल विकास परियोजना के तहत ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं और 3 से 7 वर्ष के बच्चों की माताओं सहित छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाया गया। सभी को साफ सफाई बरतने की जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि 6 माह तक गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों को माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध में 80% पानी होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है। जाओ बेटे उधर जाओ, सब मम्मी के पास में तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है सुन के ये बात, कैसा लगा आपको पहली बार फर्स्ट टाइम? आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये सब जान के बातें हैं और अच्छे से सीखने को मिला सब कुछ। अब आगे से आप क्या आपका प्रोसेस रहेगा? आगे से मैं और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी और अच्छे से फील कराने की कोशिश करूँगी। पोषण पाठशाला थी जिसमें कि स्तनपान के बारे में हमने इनको बुलाया था और इसके बारे में बताया था, क्योंकि ये लखनऊ से ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, इसलिए हमें सारे लाभार्थी जो थे वो इन्हें बुलाया गया था। तो इस विषय में कितने लोग आए थे लगभग आपके पास, कितने लाभार्थी आए थे इसमें? आ गए थे हमारे पास 20-25 लोग। अच्छा, तो कैसा महसूस हुआ इन लोगों को और आपको बतलाने में? भी अच्छा लगा, इन्होंने पूरा सुना ये प्रोग्राम, मैंने अच्छा लगा सबके, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपको फीडिंग कैसे करानी चाहिए माँ को, ये नहीं है कि लेट के करा लिया हाथ लगा के, तो इन्होंने सीखा, इनके समझ में भी आया। आगे से क्या ज्ञान देना चाहेंगे लोगों को? यही ज्ञान देना चाहेंगे, 6 माह तक तो बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है, 6 माह तक पानी की जरूरत बच्चे को नहीं होती, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना उसमें। मेन बात तो हमें यही चीज़ है, माँ के लिए सब कुछ होता है, 80% तो पानी ही है, पानी तो ऊपर से हम देते ही हैं, ये बारे में हमने बताया था। और इससे अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों का आप थोड़ा ध्यान रखिए इनका, क्योंकि माँ का दूध ही जरूरी है, यही सेहत को सही रखेगा, और बाकी तो ये सब समझदार हैं, उन्होंने समझ लिया अपने आप को कि अच्छे से करना है हमें, तभी का भी इन्हें बता दिया गया है, उन्होंने पूरी मीटिंग ज्वाइन करी थी आज की। पानी नहीं है। आज ये पोषण पाठशाला का आयोजन किया गया है, उसमें हमने गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, छोटे बच्चों की माएँ और 7 से 3 वर्ष के बच्चों की माताएं तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हमारे यहाँ रोज पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी माताओं को बुलाया गया है और स्तनपान के विषय में जानकारी दी गई। कहाँ का आयोजन, कितने समय से होता है कार्यक्रम? पोषण पाठशाला का कार्यक्रम आज ही आयोजित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज हमने इन सबको एकत्र किया है। वैसे जगह समय समय पर जब आया कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये सब लोग भाग लेते हैं। सब आंगनबाड़ी हैं? नहीं नहीं, ये लोग तो सब लाभार्थी हैं हमारे क्षेत्र के, नवाबपुरा, ये नवाबपुरा से। ऑनलाइन हुआ कार्यक्रम? ऑनलाइन ही हुआ है, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी ये, उसके जरिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग बस यही संदेश देना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को स्तनपान ही कराया जाए,
उसके अलावा कुछ ना दिया जाए, बच्चों को पानी ना दें। छोटे बच्चों को बीमारी से बचाना है तो माँ अपना दूध ही बच्चे को पिलाए। मतलब बच्चों को सिर्फ अपना दूध पिलाना है और मतलब 2 साल तक दूध पिला सकते हैं। टीकाकरण होता है, टीका जरूर लगना चाहिए बच्चों के। और मतलब खाने पीने का जो माँ खाती है वही बच्चे को ना दूध पिलाओ, तो इसलिए अपना ही दूध पिलाना चाहिए, गाय वाय का तो नहीं पिलाना चाहिए दूध। इधर देखो बेटे, इधर देखो, सामने सामने देखो, इधर खड़े हो, वहाँ पे खेल ले, ऐसे ऐसे तुम भी जाओ, उधर को जाओ, जाओ जाओ उधर को जाओ, बच्चों उधर को जाओ, आप भी इधर इधर को खड़े हो जाओ, सब जने जाओ, तुम भी अंदर जाओ, तुम भी खड़े हो, ऐसे खड़े रहो। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।